मैजिकल जाइंट दिवाली पटाखा ट्रैक्टर। बसंतपुर गांव के साथ वाले जंगल में रात के समय आसमान से एक चमकता हुआ गोला गिरा। वो गोला गिरते ही बहुत ज्यादा रोशनी हुई तो उसी जगह एक जादुई मणि पड़ी हुई थी। जंगल के पास वाले बसंतपुर गांव में एक पिंटू नाम का एक छोटा अनाथ लड़का रहता था। पिंटू ने गांव में एक छोटी सी झोपड़ी बनाई हुई थी, वो रात में वहीं रहता और दिन में पिंटू सारा गांव घूमता और जगह जगह से काम की चीजें ढूंढता और उन्हें बेचता। वहीं उसी गांव में रंगू सेठ नाम का एक बहुत अमीर सेठ रहता था। रंगू सेठ ने अपनी एक सीक्रेट लैब बनाई हुई थी। वो वहां पर बहुत बड़े बड़े रोबोट्स बनवाता और उन रोबोट से बड़ी बड़ी चोरियां करवाता था। वैसे एक दिन उसी जगह जंगल में एक बहुत तेज रोशनी हुई और उस रोशनी के अंदर से एक अजीब सा दिखने वाला एक जादूगर निकला। मुझे लग रहा है कि मेरी जादुई मणि को किसी ने चुरा लिया है। उस चोर को मैं अब नहीं छोड़ूंगा। वो जादूगर ये बोलकर जादुई मणि को ढूंढने के लिए बसंतपुर गांव की तरफ जाने लगा। वैसे अगले दिन पिंटू रोज की तरह काम की चीजें ढूंढने के लिए रेलवे पटरी पर घूम रहा था तो वहीं उसे चमकता हुआ कुछ दिखा। पिंटू उसके पास गया और उसे उठा लिया। ये चमकने वाला पत्थर तो बहुत सुंदर है, मैं इसे अपने घर ले जाता हूँ। पिंटू उस पत्थर को उठाकर घर ले आया। वैसे वहीं उसके सामने से एक सुपर बाइक गुजरी। उसे देखकर पिंटू, ये कितनी अच्छी बाइक है, ये अगर मेरे पास होती तो कितना मजा आता। बस पिंटू के ये बोलते ही वो पत्थर चमकने लगा और वहीं उसके सामने एक सुपर बाइक आ गई। ये देखकर टिंकू बहुत आश्चर्य हुआ। अरे ये कैसे हुआ, मुझे लगता है कि कोई साधारण पत्थर नहीं है, ये मुझे कोई जादुई मणि जैसा लग रहा है। अगर इसका किसी को पता चला तो बहुत गड़बड़ हो जाएगी, मुझे इसे छुपा कर रखना पड़ेगा। वैसे बहुत समय गुजर गया और दिवाली आ गई थी। गांव के लोग दिवाली मना रहे थे तो वहीं पिंटू ने उस जादुई मणि से एक जाइंट दिवाली पटाखा ट्रैक्टर बनाया और उसे गांव में चलाने लगा। जब पिंटू गांव में वो ट्रैक्टर चलाकर दिवाली मना रहा था तो वहीं वो जादूगर भी पिंटू को ढूंढते ढूंढते वहीं पहुंच गया और बोला, मैं तुम्हें इतने समय से ढूंढ रहा था, तुम आज आके मुझे मिले हो। तुमने मेरी जादुई मणि चुराई है, तुम्हारी अब खैर नहीं। वैसे वो जादूगर ये बोल के पिंटू पर हमला कर देता है तो पिंटू अपने उस जाइंट दिवाली पटाखा ट्रैक्टर का एक बटन दबाता है तो उसमें से बहुत से जादुई पटाखे निकलते हैं और जादूगर के ऊपर जाकर फटते हैं और वो जादूगर वहीं जलकर भस्म हो जाता है। पिंटू और उस जादूगर की लड़ाई होते हुए रंगू सेठ भी देख लेता है और सोचता है, ये तो बहुत कमाल की चीज है इस लड़के के पास, इसने तो उस जादूगर को भी हरा दिया। मैं इससे वो जादुई मणि चुरा कर अपने लिए इस्तेमाल करूंगा और मैं दुनिया का ताकतवर आदमी बन जाऊंगा। वैसे एक दिन पिंटू गांव में घूम रहा था तो वहीं उसके सामने रंगू सेठ अपना एक बड़ा सा रोबोट लेकर आ गया। ए लड़के, चुपचाप मुझे ये जादुई मणि दे दो वरना मैं तुम्हें इस रोबोट से बहुत मारूंगा। वैसे पिंटू ने उस जादुई मणि को इस्तेमाल करने की कोशिश की लेकिन उस रोबोट पर जादुई मणि का कोई असर नहीं हुआ तो पिंटू ने एक आइडिया सोचा। अगर इस मणि के जादू का इस रोबोट पर कोई असर नहीं होता तो मैं अपना इससे भी बड़ा रोबोट बनाता हूँ, वो फिर इसे सबक सिखाएगा। वैसे पिंटू एक बड़े जायंट रोबोट का सोचता है और वो जादुई मणि उसे सच में बना देती है और उस बड़े रोबोट को इस्तेमाल करके पिंटू रंगू को उठाकर दूर फेंक देता है। उस दिन के बाद से पिंटू जंगल में अपना एक घर बना लिया जहां उसे कोई ढूंढ ना सके और वो जादुई मणि भी लोगों से छुपी रही। मैजिकल जायंट एलिफेंट हाउस। बहुत दूर समंदर के बीच एक टापू था। उस टापू पर बहुत सारे हाथी रहा करते थे। वो टापू कोई साधारण टापू नहीं था। उस टापू पर हर साल कुछ ना कुछ अजीब होता रहता था। एक दिन उस जादुई टापू के पास एक बहुत बड़ा दरवाजा खुला और उसमें से एक बहुत बड़ा डायनासोर निकला और वो डायनासोर उस टापू पर जाकर वहां के हाथियों को घायल करने लगा और कुछ देर के बाद खुद ब खुद जादू से गायब हो गया। ऐसे ही एक दिन जब रात के समय पूरा चांद निकला हुआ था
तो वहीं आसमान से एक गोला आके उस टापू पर गिरा और एक बहुत बड़ा धमाका हुआ। उस गोले के गिरने के बाद उस टापू के सारे हाथी बहुत विशाल और सोने के रंग के हो गए थे। उस टापू के अंदर और भी बहुत से रहस्य छुपे हुए थे। अभी तक इस जादुई टापू को दुनिया का कोई भी इंसान नहीं खोज पाया था। उस जादुई टापू से बहुत दूर देवीपुर नाम का गांव था। उस गांव में पिंटू नाम का लड़का रहता था। पिंटू बहुत होशियार था। उसे नई नई तरह के आविष्कार बनाना बहुत पसंद थे। पिंटू वहां अपने माता पिता के साथ रहता था। पिंटू होशियार तो बहुत था, लेकिन उसके गरीब होने के कारण वो कभी स्कूल नहीं जा पाया। पिंटू का पिता मोहनलाल भी पढ़ा लिखा नहीं था, तो उसके पास कोई अच्छी नौकरी नहीं थी, तो वो गांव में भारी भारी बोरियां ढोता था और इसी से वो अपने परिवार का पालन पोषण करता था। वहीं उस गांव में रंगेश नाम का एक धनवान सेठ भी रहता था। उसका एक बेटा भी था, उसका नाम चंदू। एक दिन रंगेश ने चंदू को बुलवाया तो रंगेश, तुम्हें कितनी बार मना किया है, गांव के गरीब बच्चों के साथ मत खेला करो। तुम्हें जो चाहिए मैं तुम्हें लाके दूंगा, बस उन गरीब लड़कों के साथ मत खेला करो। मुझे सोने का हाथी चाहिए, क्या आप मुझे वो ला के दे सकते हो? आप मुझे वो ला के दे दो तो मैं गांव के लड़कों के साथ नहीं खेलूंगा। वैसे बाद में अगले दिन रंगेश ने एक खिलौने का हाथी मंगवाया। उस हाथी पर सोने जैसा पेंट किया हुआ था, तो उसे देखकर चंदू, पापा ये कैसा हाथी है, ये तो खिलौने का हाथी है जिस पर सोने का पेंट किया हुआ है। मुझे असली सोने का हाथी चाहिए, ये नकली हाथी नहीं। इस दुनिया में सोने के हाथी जैसी कोई चीज नहीं होती, लेकिन फिर भी मैं उस हाथी को ढूंढने की कोशिश करूंगा। वहीं गांव में एक दिन पिंटू ने एक नाव बनाई, तो पिंटू अपने पिता से, ये देखें पिताजी, मैंने ये नाव आपके लिए बनाई है। अब से आप वो भारी भारी बोरियां उठाना छोड़ दें, अब से हम मछलियां पकड़ने का काम शुरू करेंगे। वैसे एक दिन वो चंदू पिंटू के पास आया, तो चंदू, पिंटू तुम इस गांव में सबसे होशियार लड़के हो, क्या तुम मेरे लिए कुछ ऐसा बना सकते हो जिससे मैं सोने का हाथी खोज सकूं? तुम्हें सोने के हाथी का क्या करना है? अभी हम मछलियां पकड़ने जा रहे हैं, क्या पता हमें कोई सोने की मछली मिल जाए। तुम्हें हमारे साथ चलना है तो आओ, अगर कोई सोने की मछली मिली तो वो मैं तुम्हें दे दूंगा। आओ चलो, मछलियां पकड़ने में बहुत मजा आएगा। वहीं मोहनलाल, पिंटू और चंदू मछलियां पकड़ने के लिए उस नाव में चले गए। वो वहां समंदर में पहुंचे ही थे कि समंदर के नीचे से किसी बड़ी मछली ने उनकी नाव को उल्टा दिया और वो सब पानी के अंदर चले गए। कुछ देर बाद मोहनलाल, पिंटू और चंदू उसी जादुई टापू पर प्रकट हुए। ये देखकर पिंटू बहुत आश्चर्य हुआ, तो पिंटू, ये कैसे हुआ, हमारी नाव पानी में पलटी और हम इस टापू पर आ गए, ये मुझे कोई जादुई टापू लगता है। वहीं उस टापू पर बहुत सारे सोने के हाथी घूम रहे थे और वहां पर एक हाथी जैसा घर भी था, तो उसे देखकर चंदू, मेरा तो सपना पूरा हो गया, वो देखो वहां पर कितने सारे सोने के हाथी हैं और एक हाथी जैसा घर भी है, आओ चलो उस घर के अंदर चलते हैं। वैसे वो सब उस एलिफेंट हाउस के अंदर जाने के लिए आगे बढ़ने लगे और वो सब उस एलिफेंट हाउस के अंदर पहुंच गए थे, तो उन्होंने देखा कि वहां पर हर जगह सोना पड़ा हुआ है, तो वहीं बहुत सारे सोने के सिक्के उड़ते हुए उनकी तरफ आने लगे। तो पिंटू, लगता है ये सोने के सिक्के हमारे लिए हैं। वहीं एक बहुत तेज रोशनी हुई और वो तीनों वहां से गायब हो गए। जहां पर वो नाव पलटी थी, वो तीनों उसी जगह पर नाव में प्रकट हुए और वो सोने के सिक्के भी वहीं उस नाव में उनके साथ प्रकट हुए। ये देखकर वो सब बहुत खुश हो गए। उन सोने के हाथियों को देखने के बाद चंदू का सपना पूरा हो गया और मोहनलाल और पिंटू को भी वो बहुत सारे सोने के सिक्के मिल गए।